सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सभी हिंदू वीर वीरांगनाओं से मेरा निवेदन है, कल 29 सितंबर को थाना भवन के अंदर ताज होटल पर 11 बजे आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। कल धर्म के इस कार्य में आपका बहुत बड़ा योगदान होना अनिवार्य है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये देश हिंदुओं का है, सनातनियों का है जी, आप नहीं है ये सौ मीटर का दायरा नहीं, तो ये सलमानों की दुकान नहीं तो चलेगी नहीं। 20 सितंबर 2024 को पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली जिले का कस्बा थाना भवन अचानक सुर्खियों में आया। कस्बे के नॉनवेज खाना बेचने वाले रेस्टोरेंट, ढाबे और रेड़ी पटरी वालों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। स्थानीय प्रशासन द्वारा ऐसी सारी दुकानें बंद करने का फरमान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कस्बे के सारे नॉनवेज ढाबे मानकों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या FSSAI के तहत किसी भी धार्मिक स्थल के 50 मीटर के दायरे में कोई भी मीट बेचने वाली दुकान नहीं चल सकती है। वहीं अगर दुकान धार्मिक स्थल के गेट के ठीक सामने हो तब उससे कम से कम 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अभी कुछ सप्ताह पहले अतिक्रमण के हिसाब से आए थे EO साहब, जो नगर पंचायत के हैं, उन्होंने वहाँ पे हमें जैसे आए हुए नोटिस मांगा लाइसेंस, हमने लाइसेंस दिखा दिया उन्हें, ये लाइसेंस भी है हमारे पास। इसके बाद फिर उन्होंने देखा लाइसेंस, फिर कहने लगे NOC। अब NOC तो लाइसेंस उसी के आधार पर बनता है, NOC के बिना NOC के तो लाइसेंस बन नहीं सकता। देखा उन्होंने, फिर वो और भी थे उनके साथ प्रशासन, मतलब वो पुलिस भी थी सब, तो एकदम से मतलब ये साहब कहने लगे कि पानी गिरवा दिया हमारे उसमें तंदूर में, उसमें पानी गिर के फिर बंद कर दिया, कहने लगा उठाओ उठाओ सामान उठाओ, शटर भी बंद करवा दिया एकदम तभी अचानक ही। उसके बाद फिर अगले दिन उन्होंने नोटिस भेजा मेरे पास, प्रतिबंधित, आप 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित मीट नहीं बेच सकते। तो अभी ये बताइए, पूरे कस्बे में थाना भवन में क्या ये बाकी भी हम देख रहे हैं कई सारे नॉनवेज होटल बंद हो गए हैं, इसका क्या आप जानते हैं? अब इसमें वो कहने लगे कि एक भाषण आया था कल, उन्होंने धरना दिया था यहाँ पे, जिन्होंने जो स्वामी महाराज हैं यशवीर महाराज, उन्होंने उनके साथ मतलब और भी थे, बजरंग दल के थे, लोकल के थे, उन्होंने भाषण दिया था कि ये हम यहाँ थाना भवन में मीट की दुकानें नहीं चलने देंगे। अब बताओ ये क्या ये है? अब दायरा तो उन्होंने छोड़ दिया, जो 50 मीटर का था वो था पहले GO में, अब वो कह रहे हैं 100, 200, 300 चलने नहीं देंगे कुल मिला के, और भी बंद हो गए हैं। हाँ सब बंद है, जो हमारे पास GO है वो 50 मीटर का है, अगर 50 मीटर की रेंज में आता है तो बैन है, अगर 100 मीटर की रेंज होगी तो वो मंदिर के बिल्कुल सामने होगी गेट के। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ मंदिर है करीब, दो मंदिर है, उससे सड़क है, डिवाइडर है, मार्केट है, फिर तक आगे मंदिर है, 50 मीटर से ज़्यादा है दायरा, दोनों ही 50 मीटर से ज़्यादा। हाँ, और क्या यहाँ जो जैसे एक रविदास मंदिर की बात की जा रही है, कभी उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आया है? नहीं, उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, एक दो दिन पहले बात की थी, आए भी थे वे सारे, कह लेंगे हमारे पास हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं बिरयानी का रेडी लगाता हूँ। कहाँ पे? चरथावल बस स्टैंड पे। चरथावल बस स्टैंड, यस। तो क्या हुआ था अभी? अभी 8-10 दिन पहले लगभग टाउन की तरफ से आदमी आए ये साहब के साथ में, उन्होंने कहा तो हटाओ इसको तुरंत यहाँ से, उन्होंने हटा दिया, वेस्ट हो गया हमारा जो बना बनाया सामान था, सब वेस्ट हो गया उस टाइम पर, और अगले दिन हमारे पास नोटिस पहुँच गया है। मतलब आपका कमाई का कोई और भी साधन? इसके अलावा कोई साधन नहीं सर।
मेरा होटल उधर है जो सामने करीम होटल। अच्छा। 25 साल पुराना मेरा होटल है जी, यही मेरा खाने कमाने का साधन है जी। अब इसके बंद होने से मुझे अपने बच्चे पालने मुश्किल होगी, अब मैं क्या करूँ। उन्होंने क्या बोला जब रोक बंद करने आए थे? जो बंद करने आए थे उन्होंने कह दिया इन्हें बंद करो, और यहाँ मंदिर का मामला है, यहाँ कोई झगड़ा हो जाएगा ये हो जाएगा। 25 साल पुराना मेरा होटल है, मेरे मोहल्ले में हिंदू मुसलमान सब तरह के लोग रहते हैं, 25 साल से आज तक कोई मनमुटाव नहीं है। आप इसमें जांच कर लें, लोगों से पूछ लें, अगर मेरे मोहल्ले के लोग मना करेंगे तो मैं खुशी से बंद कर दूँ। क्या करते थे आप? मैं जी हम तो यहाँ भुक्के मरे यहीं काम करे थे हम तो। कहाँ? करीम होटल। करीम होटल पे। अच्छा। एक हफ्ता सारा होगा, हम तो भुक्के मर लिए। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे बताओ, ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम तो भुक्के मर लिए। 5-6 दिन हो गए हमें तो इतनी ठंडी पड़े पड़े, और तो कहाँ जाएं यहाँ से, हम तो बस बेरोजगार हो गए यहाँ से। अब बताओ आप कहाँ जाएं। कितनी दिक्कतें हो रही हैं घर पे? क्या दिक्कत तो बहुत हो रही है जी, खाने की पीने की, बच्चों की फीस की भी है, बच्चों की फीस भी है। अब बताओ कहाँ से लगाएं। बच्चे कितने हैं अपने? दो बच्चे हैं जी, बच्चों की फीस भी है, कपड़ा भी है, रखता भी है, खाना भी है, पीना भी है, तो कहाँ से लगाएं। और कोई काम करते हो? यही करते नहीं, हम तो होटल भी काम करे जी, बस उनको यही काम करूँ, पूरी उम्र हो गई, यहीं से खाना हमारा यहीं से पहनना है। अभी पूरा थाना भवन में जो प्रकरण हुआ है, जिसके चलते कुछ ऑब्जेक्शंस भी, कल कुछ एक धरना भी हुआ था, और पहले भी ये होटल्स बंद किए गए थे लगभग एक हफ्ते पहले, वो क्या प्रॉब्लम थी, क्यों, किस आधार पर बंद किए गए थे? असलत में यहाँ थाना भवन में कुछ समय से जो है कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई है कि जो धार्मिक स्थल है उसके 100 मीटर के दायरे में कुछ होटल ऐसे चल रहे हैं जिसमें मांसाहारी भोजन परोसा जाता है, या कोई मांसाहारी दुकानें चल रही हैं जो है, तो उनको बंद कराने के लिए एक धरना प्रदर्शन किया गया था, और शासन प्रशासन द्वारा उसी के देखते हुए इनको जो है होटल को कुछ समय के लिए जो है बंद कराया गया है। पहला नोटिस गया था उसमें लिखा था इसमें प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं, उस प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ से क्या मतलब था? प्रतिबंधित खाद्य व्यापार से संबंधित एक्चुअली में ये जो शब्दावली है ये हमारा जो अधिनियम है 1916 का अधिनियम है नगर पालिका का, उसके वो है प्रतिबंधित खाद्य व्यापार से संबंध एक ऐसे व्यापार से है जिससे कोई भी ऐसा लोक न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है। अच्छा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यू क्रिएट हो सकता है कोई भी ऐसा व्यापारिक गतिविधि से, तो उसको हम जो है प्रतिबंधित। खैर, 27 सितंबर को प्रशासन ने इन सारी खाने की दुकानों को खोलने की मौखिक अनुमति दे दी, लेकिन खुलने के 2 दिन बाद ही स्वामी यशवीर महाराज के नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ के ताज रेस्टोरेंट के सामने धरने पर बैठ गए। इस धरने के कुछ भाषण सुनने के बाद ये तो स्पष्ट था कि यहाँ इरादा कानून को अमल करवाना नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना था। अभी उत्तराखंड के अंदर 3-4 दिन पहले की घटना है, उत्तराखंड के हिंदुओं ने क्रांति कर रखी है, उत्तराखंड का हिंदू और हिमाचल का हिंदू धन्यवाद का पात्र है। रात आकर के स्वामी श्री जी महाराज जो कह रहे हैं आगे, सो महाराज जी आपके पास परमिशन है? अरे देश हमारा, धर्म हमारा, परमिशन किससे लेंगे हम? कल पंचायत ताकत हो तो रोक करके दिखा देना। आप सभी को सौगंध है सनातन धर्म की, बिना निर्णय लिए, निर्णय एक ही है, या तो बंद होंगे नहीं तुम यहाँ से हटेंगे नहीं। आप सब कल 12 बजे बहुत बड़ी संख्या के लिए मैसेज कर दो, कल थाना भवन में, पूरे थाना भवन में जितने भी मीट की दुकान है कहीं भी हो, 100 मीटर में हो चाहे 200 मीटर में हो चाहे 1 किलोमीटर में हो, सबका घेरा होगा कल। ये देश हिंदुओं का है, सनातनियों का है, जितनी है 100 मीटर का दायरा नहीं,
हिंदु ये कपाम बैग सलमानों की दुकान नहीं जाता चलेगी नहीं। हमें लगा कि आसपास की स्थानीय दुकानदारों से, जो अधिकतर हिंदू ही हैं, यह पता लगाना ज़रूरी है कि क्या उन्हें भी इन नॉनवेज ढाबों से कोई दिक्कत है या नहीं। एक चीज़ बताइए, आपकी 50-60 साल पुरानी दुकान है, यहाँ बगल में को करीम होटल है, सामने ताज होटल है, अभी ये सब बंद करवाए गए हैं, आपको कभी दिक्कत रही है? आपकी तो बगल में, हमें तो पहले से कोई दिक्कत थी नहीं, ना है दिक्कत ना पहले थी। तो क्या प्रकरण अचानक हुआ है? पर ये तो मैटर अलग है जी, तुम्हें जानकारी है नहीं इस चीज़ की, हम तो अपने काम में व्यस्ते रहते हैं। वैसे कभी इनके मालकों से कैसे रिश्ते रहे हैं आप? हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोस्ताना ही रिश्ते। हाँ जी, घर जैसी बात है। आपको कैसा लग रहा है जो इन सब के होटल बंद करवाए जा रहे हैं? महसूस तो दे ही रहा है, अकेलापन तो रहेगा, जो मान लो पड़ोसी की दुकान नहीं खुलेगी, रोजगार नहीं चलेगा, तो महसूस तो देगी बात। बोगी के निर्माण करते हैं जो किसान चलाते हैं, गन्ना ढोते हैं, उसको आप बनाते हैं जी। जी, ये बताइए, ये जो अभी पूरा प्रकरण हो रहा है आपके सामने, वहाँ ताज होटल है, बगल में करीम होटल है, आपको भी कोई दिक्कत रही थी इनसे? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें तो दिक्कत नहीं है, अपना गाइडलाइन जो है इनके उस सब पालन करो जो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और आपकी कब से यहाँ दुकान है? हमारी तो यहाँ करीब 70 साल से, 75 साल से दुकान है। ये तो ये भी बहुत पुराने हिसाब किताब है। आपके रिश्ते ठीक ही रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रकरण अचानक क्या हुआ है? इसके बारे में भी हमें पता लगा कि हुआ, कल ही पता लगा, अभी तो यहाँ धरना सा दिया। आप लोगों को मतलब कोई इससे कोई दिक्कत? वैसे रिश्ते कैसे रहे हैं सब? वैसे ठीक है, पड़ोस है हमारा। अच्छा, ये बंद हो रही हैं दुकानें, अब कैसा लग रहा है? साथ पढ़ा भी जी, मेरे साथ पढ़ा भी बचपन में। अच्छा, हाँ, आप लोग साथ पढ़े हैं? साथ पढ़े बचपन में, साथ पढ़े। जिस ताज होटल को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति जताई गई, उसके सबसे करीब एक रविदास मंदिर है, और वो भी ताज रेस्टोरेंट से 50 मीटर से ज़्यादा दूर है। जय सिंह जी, ये आप कहाँ रहते हैं? हम इसी मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में, रविदास मंदिर से भी। हाँ, ये बताइए, ये जो अभी पूरा इन्होंने प्रकरण किया है कुछ दिन पहले, यहाँ कल धरना हुआ बहुत बड़ा, उससे और उसमें रविदास मंदिर का भी नाम ले रहे हैं कि उसके लिए, तो इससे रविदास मंदिर वालों का भी जुड़ाव है उससे या वो अलग? नहीं नहीं, इससे कोई संबंध नहीं है। किससे संबंध? उससे जो कल वो प्रोग्राम करा धरना जो, हमारा जो आदमी कोई भी नहीं गया। अच्छा, हाँ, वो कौन थे? उसका पता नहीं, बाहर गए होंगे। अच्छा, हाँ, तो मतलब यहाँ लोगों को भी दिक्कत है उन जो होटलों से जिसको पूरा होती है? नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी रिश्ते ठीक हैं? हाँ, सब मेल जोड़ है, बढ़िया है, मोहल्ला एक ही है। हाँ, कौन कौन है मोहल्ले में? भाई मोहन भी है, जवार भी है, सारे जाते हैं। हाँ जी, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती? ना, वैसे कोई दिक्कत। भजन लाल है जी मेरा नाम। भजन लाल जी, जी। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, आपकी यहाँ दुकान है बिल्कुल, आप रविदास? रविदास मंदिर के पास ही है जी। आप वैसे मंदिर भी जाते हैं? जी, मंदिर भी जाते हैं। तो मतलब आपको ये जो पूरा अभी ये जो प्रकरण हो रहा है, क्या आपको भी इससे कोई मतलब इन होटलों से दिक्कत रही है? आप तो खुद रविदास मंदिर जाते हैं। ये होटल से ही? हाँ जी, होटल से हमें कोई दिक्कत नहीं आई, ना हमें कोई परेशानी आई। रविदास मंदिर में ज़्यादातर मतलब किस समाज से लोग हैं? चमार जात से। चमार जात, आप भी दलित समाज? चमारी है जी। तो ये बताइए कि ये आपके समाज में किसी को दिक्कत है ये चीज़? जी, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई किसी को ऐतराज है, चमार को तो कोई ऐतराज है नहीं। हाँ, ना कोई आपत्ति है जी। और वो जो धरना हुआ था उसमें? उस धरने का भी हमें पता नहीं, हमारे पूछ के कोई धरना नहीं धरा इन्होंने, हमारे से लगी, हमारे से कोई पूछा नहीं, हमें कोई आपत्ति ना, हमारे से कोई पूछेगा यहाँ दलित समाज से कोई लेना ना, कोई लेना देना। पिछले दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों की कई वाक्य सामने आए, जिसमें खाने पीने की चीज़ों को निशाना बनाकर माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है। कभी बागपत ज़िला, कभी ज़िला गाज़ियाबाद,
कभी मुजफ्फरनगर और कभी शामली ज़िला। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर ज़िले में प्रशासन द्वारा एक निराशाजनक आदेश के तहत कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली सारी खाने पीने की दुकानों पर अपने मालिक का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे उनका धर्म और जाति स्पष्ट रूप से पता चल जाए। इस आदेश की मांग के पीछे भी स्वामी यशवीर महाराज का हाथ था। इस आदेश का स्थानीय जनता से भारी विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी। 2013 के मुजफ्फरनगर और शामली जिलों के सांप्रदायिक दंगे के सदमे से यहाँ के लोग धीरे धीरे उबर रहे हैं और आपसी भाईचारा फिर से आकार ले रहा है। ऐसे एक नाजुक मोड़ पर पश्चिम यूपी के निवासी यही आशा कर सकते हैं, कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थों के चलते 2013 के वो भयावह और दुखदायी पल फिर से ना दोहराए जाएं।